ये टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप के ऊपर थोड़ी सी बात की जाए। ये जैसे फर्स्ट सेमेस्टर होता है, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर स्टूडेंट आते हैं ना 20, 30, 40, 45, वो कुछ ना कुछ माइंडसेट लेके आते हैं टीचर के बारे में। ऑलरेडी वो आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात करूँ, मुझसे ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। अच्छा यार फलां टीचर ने पढ़ाया था, क्या ग्रेड आया तुम्हारा, फिर बहरहाल वो एंटर होते हैं तो उनके जहन में क्वेश्चन होते हैं। और इस क्वेश्चन के साथ साथ देखें ये जो वाइट कलर का आपको नज़र होगा, दिस इज सर्कल ऑफ आवर नॉलेज, गौर कीजिएगा। सम टाइम मैं ऐसे स्टूडेंट को दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग और इंटरेक्टिंग इग्नोर, रिस्पेक्टेड कोलीग, इग्नोरिंग सबसे बड़ी पनिशमेंट होती है। इग्नोर ना करें हम स्टूडेंट को, कोई अगर बैक बेंचर है, कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहा तो प्लीज़ इन्वॉल्व देन, उनको इन्वॉल्व करें, इंटरेक्ट करवाएं। समटाइम आप नाम लेके कहते हैं मिस्टर एक्स और मिस वाई, प्लीज़ आप भी थोड़ा सा, जैसे जो भी आपका वे ऑफ टीचिंग है या मेथोडोलॉजी है। अब ये देखें जैसे जैसे सर्कल ऑफ नॉलेज हम बढ़ाएंगे, इग्नोरेंस आहिस्ता आहिस्ता मिनिमम होगी। कि देर आर थ्री टाइप ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस की बेस पे, कि देखिए पहला जो है ग्रैब एंड लर्न क्विकली, एम आई राइट, सब कहते हैं जी जी सर समझ में आ गया। कुछ स्टूडेंट होते हैं कहते हैं सर जरा दोबारा एक्सप्लेन करेंगे प्लीज़, फिर वो आप या हम लोग दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। तीसरी तरह के स्टूडेंट फूल अराउंड एंड यूज क्लासरूम एज ए एंटरटेनमेंट, तो रिस्पेक्टेड कुल मेरा फोकस यहाँ पे होता है। जिनका सी जी पी ए फॉर एग्ज़ाम्पल लो है, अगर बी बी ए है टू है या थोड़ा सा कम भी है, तो फिर मेरी कोशिश होती है चलो इनको थोड़ा सा क्लास के अंदर रोल दे के इनके ऊपर काम। जो हाई अचीवर हैं उनके साथ डिस्कशन करके उनको किसी मुकाम पे अगर वो चले गए, मैं समझता हूँ कि शायद मेरा रोल इतना नहीं है। और जो रोल अगर इनके साथ है, इनके साथ मेरा ख्याल है वी नीड टू सर्व टाइम, जैसे काउंसलिंग, अ कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचर सर्व एज अ कनेक्शन। ओके, ये जो रेड टेक्स्ट है इसको देखिए, एकेडमिक अचीवमेंट एंड स्टूडेंट बिहेवियर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्वालिटी ऑफ द टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप। कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टूडेंट एंड टीचर बिकम एक्सट्रीमली, कम्युनिकेशन में नॉर्मली हम समझते हैं कि इंग्लिश कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन डज नॉट मीन यूर इंग्लिश स्पीकिंग पावर, हाउ यू प्रेजेंट योर आइडिया इन सच अ वे द ऑडियंस जो है अंडरस्टैंड कर लें। तो हम उस स्टूडेंट के कल्चर को देखते हुए, उसके इंटरेस्ट को देखते हुए जरा उसके लेवल पे आ जाएं। और कई दफ़े ऐसे स्टूडेंट होते हैं आपके साथ, मैं शेयर करूँगा, कल्चर उनका ऐसा है कि वो टूट जाते हैं। और कुछ स्टूडेंट होते हैं ठीक है शाय हैं, उनको थोड़ा सा ये हमारी एज ए फैसिलिटेटिंग ऑफ द क्लास तो मेरी जिम्मेदारी होती है उनको लेके आ। क्या चॉइसेस होती हैं ये देखें ना, पहली चॉइस है टीचर अपने ओरे के अंदर, अपने हल्के के अंदर है, डिस्कशन है, बातचीत है, डूइंग एक्सीलेंट जॉब, स्टूडेंट अपने उसमें ओरे के अंदर है। एक चॉइस ये है जो मैंने समझा, अच्छा भी एक चॉइस ये मेरी हो सकती है ड्यूरिंग द क्लास। दूसरी चॉइस ये है कि अच्छा भाई थोड़ा सा इंटरेक्ट कर ले उनके साथ। समटाइम मैं नाम किसी का नहीं लेता इस यूनिवर्सिटी से नहीं, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर वाइट बोर्ड के ऊपर एक फैकल्टी मेम्बर अपना इनकम टैक्स का वो क्लास ले रहे थे और ही वॉज राइटिंग इनकम टैक्स और मार्कर के अंदर इंक नहीं थी तो मार्कर के अंदर इंक नहीं थी। स्टूडेंट ने कहा सर ये नज़र तो नहीं आ रहा है इसमें इंक नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे हाथ की जो शेप है उसको देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई एम नॉट, अपना टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं मार्कर लेने टीचर। फिर एट द एंड ऑफ द डे वो टीचर अपने इनर सेल्फ के अंदर मैंने बड़ा अच्छा लेक्चर दे दिया। और फिर हमें एक दूसरा मेथड या जिसे कह लें चॉइस इंटरेक्शन, थोड़ा सा इंटरेक्ट करें स्टूडेंट के साथ। और जो मेरे ओपिनियन में बेस्ट मॉडल जो मैं समझूं लर्निंग टुगेदर, वो जो ओरा है, जैपनीज वर्ड है बा, बी ए बा, प्रोवाइड देम प्लेस, उसको प्लेस दें, उसको रूम दें, वो डिस्कशन करे, क्रिटिसाइज करे। उस क्रिटिसाइज के लिए फिर हमें ओपन होना पड़ेगा।